हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे टुलिप सलवार। टुलिप सलवार बनाने के लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है। इसकी हमने फोल्ड कर ली है। 2.25 मीटर कपड़ा है। 2.25 मीटर कपड़े में आसानी से सलवार बन जाएगी। हमें अपनी साइड रखना है, जिधर से कपड़ा मुड़ा हुआ है वो वाली साइड, उस साइड से हमें कटिंग करनी है। अब हम नीचे कॉर्नर की साइड से 2 इंच इस साइड में लेंगे और 2 इंच दूसरी साइड में। अब यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे कोन की तरह। इसमें सलवटें बिल्कुल नहीं रहने देनी है। अब इसको दूसरी को भी इसके ऊपर से कर लेते हैं। ऐसे करके इसकी पूरी सलवटें निकाल देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है टुलिप सलवार बनाने का। ये हमने साइड में रखा है 2.5 इंच, ऊपर से नीचे तक पूरा सेम रहेगा। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। जितना भी लंबाई है उससे हम इसको लेंगे 2 इंच कम। यहाँ पे इसका 37 है तो मैं 35 इंच ले रही हूँ। इंची टेप को ऐसे घुमाते हुए इसमें निशान लगाएंगे, एक साइड से पकड़ के रखेंगे और दूसरी साइड निशान देते रहेंगे। अब इनको आपस में मिला लेंगे और इसी निशान के ऊपर से कपड़े को काट देंगे। ऊपर वाले कपड़े काट करके अलग हटा देंगे। और प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लाइक शेयर कमेंट भी करें। ये नीचे वाला कपड़ा जो है बराबर होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए अंदर की साइड में। अब हम यहाँ पे लेंगे आसन। आसन हमने लिया है 9 इंच। इसको राउंड शेप देंगे। ये खोलने के बाद आप देखेंगे यू के आकार का आपको दिखाई देगा। ये आसन काटने का परफेक्ट तरीका है। अब यहाँ से काट देंगे निशान के ऊपर से। एक निशान लगाएंगे, साइडों में आएगा, उसके लिए है। अब हम कपड़े को खोलेंगे और जो जॉइंट है जिस साइड में, उस साइड से कपड़े को कट कर लेंगे। और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अब इन दोनों को अलग अलग करेंगे। इनको आपस में मिला देंगे। ये दोनों कपड़े एक दूसरे की अपोजिट साइड में जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इनको मिला रही हूँ अच्छे से, इस तरह से। इनका बीच का अंतर 2.5 इंच रहेगा। दोनों साइड में से अब हम इसकी बेल्ट लेंगे। ये कपड़ा बेल्ट वाला डबल है। बेल्ट की लंबाई है 22 इंच, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 11 और प्लस कर रहे हैं 4, यानी जितना राउंड है उसमें 8 इंच हमें प्लस करना है। और इसकी चौड़ाई लेंगे 6 इंच। इधर से भी 6 इंच लेंगे और निशानों को आपस में मिला करके यहाँ से काट देंगे। ये कटिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। ये हम पॉकेट वाली बना रहे हैं। अब ये जो ऊपर की परत है इसको पतला पतला सिल लेंगे। एक साइड से मैंने यहाँ पे 10 इंच तक सिला है इसको। इसमें किनारी है तो पूरा नहीं सिलेंगे। अब हम आसन की सिलाई करते हैं। इसके लिए हम कपड़े को अच्छी तरह मिला लेना बहुत ज़रूरी है। जिधर चौड़ा कपड़ा है उस साइड से और जिधर कम है उस साइड से, दोनों साइड से एक बराबर लेंगे। अब इनकी जो परतें हैं उनको एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे अच्छे से। और पहले यहाँ से हम इसमें लेस लगाएंगे दोनों साइड से निशान के बराबर तक। इसमें अंदर की साइड हम लगाते हुए लेस को सील देंगे। ऊपर से 1 इंच हमें छोड़ देना कपड़ा। एक साइड का हो गया, दूसरी साइड भी सेम सिलाई होगी। और ये ऊपर की साइड से हम दोनों कपड़ों को मिला करके सील देंगे ताकि सलवट डालते टाइम
कपड़ा खिसके नहीं। नीचे वाले कपड़े को हमें हटा देना है, बस इन दोनों की सिलाई करनी है। सिलाई हो गई है, लेस भी लग गई है। अभी इसी निशान के ऊपर से हम पूरा नीचे तक सिलाई करेंगे। इसको खोलते हुए लेके जाएंगे नीचे तक, और नीचे थोड़ा सा हम खुला छोड़ेंगे इसमें। ये जो नीचे मैंने खुला छोड़ा हुआ है, इसकी 8 इंच लंबाई है। आप अपने पैर के हिसाब से भी इसको छोड़ सकते हैं। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करते हैं। बेल्ट को मैंने बीच में से सील लिया है। अब इसमें साइड में छोटे छोटे कट लगाएंगे डबल फोल्ड करके, इसे सिलने में आसानी होगी। अब जितना बेल्ट है उतनी हम इसमें डालेंगे सलवटें, आगे भी और पीछे भी इतना, इसके बराबर तक हमें लेना दोनों साइड से, और अंदर की साइड इसकी सलवट जाएंगी। एक साइड की हो गई है आगे की साइड की, अब पीछे की साइड की इसकी अपोजिट साइड में जाएंगी, ये पीछे की साइड ऐसे होती हुई। अब हम इसकी बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट में हम यहाँ पे इलास्टिक लगाएंगे, और यहाँ पे सामने में आएगी पॉकेट। इसके लिए पहले हम नीचे से एक साइड से बेल्ट को जोड़ देंगे, और इलास्टिक को सील लिया है। अब इसको लगाना शुरू करेंगे। सिलाई में इलास्टिक को हमें नहीं दबने देना है। इलास्टिक कंप्लीट। अब हम इसमें लगाएंगे पॉकेट। यू शेप में मैंने दो कपड़ों को काट लिया है। अब इनकी बाहर की साइड से सिलाई लगा देंगे। सिलाई हो गई है, अब इसको सीधा कर लेते हैं। इसमें एक कपड़े की परत जो है वो थोड़ा सा लंबा रहेगी, जिधर से हमें अटैच करना है। इसको अंदर की साइड से हम जोड़ेंगे फ्रंट में। जो इलास्टिक की सिलाई है उसके नीचे से हमें इसको जोड़ना है। एक ही साइड से जोड़ेंगे इसको। अब वीडियो को लास्ट में लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सिलाई कंप्लीट हो गई हमारी ट्यूलिप सलवार की, और इसमें पॉकेट भी लग गई है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है पहनने के बाद।